dopo, lì che no, per... Scusa, a me mi dà di un sacco di te. विभूति जी बन गए हैं नौकर और नौकर बनकर अंगूरी भाभी के घर में वो लगा रहे हैं पोछा। अंगूरी भाभी भी उन पर रौब जमा रही हैं, उन्हें ताने मार रही हैं और उनके लिए काम बढ़ाते जा रही हैं। उसका काम बढ़ाने के लिए खुद ही कचरा फेंक रही हैं और चाय गिराकर उन्हें बार बार पोछा लगाने के लिए मजबूर कर रही हैं। और तो और उन्हें भैया कहकर और भी ज्यादा परेशान कर रही हैं। तुम कौन हो भैया? हमारा नाम हेतराम है। लेकिन हम तो आपको ना ही रखे हैं भैया। एक सेंटेंस में पांच बार भैया बोल दिया। हमारा नाम हेतराम है। मुझे तो लगा कि पता नहीं इतना कौन नौकर है, लेकिन क्या क्या नाम? हेतराम। हेतराम, हेतराम भाई। हाँ, हेतराम बोल बोल के वाट लगा दी उसकी। आखिर में उन्होंने बोल ही दिया। पहले तो बड़ा चुप चुप के कर रहे थे कि भाभी जी ना देख ले, लेकिन जैसे ही मैंने उनको भाई 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 बोल के, वो मैं भाई नहीं, मैं विभूति हूँ। दरअसल जुए में तिवारी जी ने विभूति जी को जीत लिया है, तो अब तिवारी जी के गुलाम बन गए हैं विभूति जी। इसीलिए वो उनके कहने के मुताबिक उनके घर में नौकर बन गए हैं। बिल्कुल सफल हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, मतलब कि औकात पे ले आया, जबकि बोल रहे थे कि उनकी क्या औकात, वो हमें खरीदेंगे। लेकिन वो मेरी नजरों से नहीं गिरा, वो तो शेर पे सवा शेर। हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे उल्लू बनाया। उनको पता है मुझे उल्लू बनाना कोई बड़ा काम है ही नहीं। विभूति को नौकर के भेष में देखकर तिवारी जी खूब मजा उठा रहे हैं, लेकिन मजा तो विभूति को भी खूब आ रहा है। तभी तो सीन में बीच बीच में वो खुद भी हंस लेते हैं। अब सोचिए देखने वालों को कितनी हंसी आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।